हेलो नमस्कार जहन प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार को प्रवेश में। आज के वीडियो में हम एक नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आज बात करने वाले हैं हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL। इस कंपनी के अंदर जो है वो BSPHCL टेक्निकल ग्रेड थर्ड और अदर वेरियस पोस्ट के लिए जो भर्ती निकली हुई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि फॉर्म जो है कब से भरना चालू होंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20/6/2024 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है 19/7/2024, 19/7/2024। तो 1 महीने का समय मिलने वाला है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो समय अवधि यानी लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को फिल कर दें, जिससे कि आप किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। वहीं एग्जाम डेट की बात करते हैं तो एग्जाम डेट जो है वो मई-जून 2024 में आपका एग्जाम होने वाला। चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए फीस कितनी लगने वाली है। तो जनरल BC और OBC कैंडिडेट के लिए जो है 1500 रुपए की फीस आपको देनी होगी, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। वहीं SC/ST कैंडिडेट के लिए जो वो 375 रुपए फीस इस फॉर्म को भरने के लिए पे करनी होगी। अब बात करते हैं हम आयु सीमा के बारे में। तो एज लिमिट जो है वो 31/3/2024 तक काउंट की जाएगी, जिसमें मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 साल होना चाहिए फॉर टेक्निकल ग्रेड थर्ड एंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। टेक्निकल ग्रेड थर्ड की पोस्ट और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। साथ ही जो है मिनिमम एज 21 ईयर और अदर पोस्ट यानी बाकी सारी पोस्टों के लिए जो है वो मिनिमम एज 21 वर्ष है। वहीं अधिकतम आयु जो है वो 37 वर्ष है। और भी जो है आयु सीमा में 5 वर्ष SC/ST कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए जो है वो 3 वर्ष का आयु सीमा में छूट मिलने वाली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम वैकेंसी के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी 2660 है। इसके अंदर जो है पोस्ट निकली हुई उसके बारे में पोस्ट वाइज वैकेंसी देखते हैं। टेक्निकल ग्रेड थर्ड इसकी जो है वो 2000 वैकेंसी है। इसके लिए क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास विद 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ये आपके पास में एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जूनियर अकाउंट्स क्लर्क है ना, इसकी जो है वो 300 भर्ती निकली हुई है। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी BCom होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। BCom अगर आपके पास में है तो आप जूनियर अकाउंट क्लर्क की भर्ती वाला फॉर्म भर सकते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, करस्पॉन्डेंट क्लर्क की भर्ती है वो 150 है। वहीं असिस्टेंट स्टोर की भर्ती जो है वो कितनी है, 80 है। इसके लिए क्या योग्यता मांगी गई है, वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी BSc BA BCom कोई भी डिग्री हो आपके पास में, बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो आप इस दोनों पोस्टों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। इसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। वहीं BTech डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग डिग्री। साथ ही जो है वो जनरल के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए, BC और EBC के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए और SC/ST कैंडिडेट के लिए जो 50% मार्क्स आपके जो है BTech या फिर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनमें आपके होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इसकी वैकेंसी सबसे अधिक है। तो यहाँ जो है जनरल की 500 वैकेंसी है, EWS की 200 वैकेंसी है, SC की 400 वैकेंसी है, ST की 40 है, EBC की 500 है और BC की 360 है। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी 2000 हो जाती है। अब बात करते हैं जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की, इसकी जनरल की जो है वो 70 पोस्ट है, EWS की 30 है, SC की 62 पोस्ट है, SC की 7 है, EBC की 80 है, BC की 55 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है हमारी 300 हो जाती है। अब बात करते हैं करस्पॉन्डेंट क्लर्क की, इसकी जनरल की जो है 38 पोस्ट है, EWS की 15 है, SC की 30 है, ST की 3 है, EBC की 37 है और BC की 27 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है हमारी 150 यानी 150 हो गई है। स्टोर असिस्टेंट इसकी जो है जनरल की 20 वैकेंसी है, EWS की 8 है, SC की 16 है, ST की 2 है, EBC की जो यहाँ पर 20 है, BC की 14 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी 80 यहाँ पर हो जाती है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल की यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है, EWS की 4 पोस्ट है,
एससी की जो है वो 12 है, एसटी की 2 है, ईबीसी की 12 है, बीसी की 10 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 हमारी यहाँ पर हो जाती है। अब लास्ट वैकेंसी है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसकी जनरल की जो है वो 25 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, एससी की कोई पोस्ट नहीं है, एसटी की 2 पोस्ट है, ईबीसी की 2 है, बीसी की 7 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस प्रकार से जो है 40 हो जाती है। हमने संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो इसके लिए हम ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।